मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मध्यम वर्गीय परिवारों के मकान का सपना साकार हो इसके लिए कॉलोनी एवं टाउनशिप के विकास के लिए अब सभी प्रकार की अनुमतियां एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र एकल विंडो सिस्टम से दिए जाने के निर्देश दिए। ब्लैकमेलिंग मामले में गिरफ्तार फिरोज सिद्दीकी का आज पुलिस रिमांड खत्म होने वाला है। सिविल लाइन पुलिस फिरोज सिद्दीकी को आज CGM भूपेंद्र वासनिकर की कोर्ट में पेश करेगी। फिरोज के वकील द्वारा लगाई गई जमानत याचिका पर भी सुनवाई आज होगी। पुलिस फिरोज के भाई राइस सिद्दीकी को भी कोर्ट में पेश करेगी। बिलासपुर नगर निगम की बहुप्रतीक्षित सीमा वृद्धि की मांग अंततः पूरी हो गई है। शासन के राजपत्र में इसके बाबत शनिवार को प्रकाशन भी हो गया, जिस पर 15 दिवस के भीतर दावा आपत्ति भी मांगा गया है। नगर निगम के क्षेत्र के विस्तार से बिलासपुर के बहुमुखी विकास होने के प्रबल संभावनाएं हैं। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने का संकल्प पेश किया है। इसके साथ ही अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन का संकल्प भी पेश किया है। अमित शाह के ऐलान के बाद विपक्ष ने सदन में काफी हंगामा किया। फ्लोरिडा में भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत ने DRS नियम के तहत वेस्टइंडीज को 22 रनों से हराया और सीरीज में 2-1 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है।